जिसे आप शादी कह रही हैं, वो किसी भी लिहाज से शादी नहीं कहलाई जा सकती, क्योंकि मेरा तन, मेरा मन, मेरी आत्मा सिर्फ एक देव रक्षिका का फर्ज निभाने के लिए। देव रक्षिका ने अपराध किया है और अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। अब भी हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आइए हमारे साथ। मैं वो नागमणी लेकर आऊंगी और उसके बाद पूरे कुल का विनाश करूंगी। विनाश है, पर सत्य को किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब तो आपको हमारी बात पर विश्वास है कि नहीं युवराज? देख लिया तूने कि मैं क्या कर सकती हूँ? तेरे अपने ही तुझे अपराधी मान रहे हैं। जब तू खुद की रक्षा नहीं कर सकती, पूरे राज परिवार की रक्षा कैसे करेगी? में बैठी हुई है, फिर उसके बाद बहुत देर तक दरवाजा हमने खटखटाया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमें डर लग रहा है कोई अनहोनी ना हो जाए। कुछ नहीं होगा बड़ी अम्मा, कुछ नहीं होगा। बड़ी अम्मा, संभालिए अपने आप को। गरुड़देव, हमारी 100 वर्षों की तपस्या भंग हो गई। 100 वर्षों से जिस परिवार का नाम लोग आदर से लेते थे,
परिवार का नाम मिट्टी में मिल गया। विरासत के नाम पर एक विश्वास ही तो था हमारे पास, आज एक झटके में वो विश्वास भी टूट गया। हम हार गए गरुड़देव, हम हार गए। नहीं बड़ी अम्मा, नहीं, आपका विश्वास रेत पर बना महल नहीं है जिसे कोई भी अपने पैरों तले कुचल दे। वो तो एक विशाल और अडिग पर्वत है, इसे तोड़ना तो दूर, हिलाया भी नहीं जा सकता। आप भी जानती हैं, बहुत अच्छी तरह जानती है बड़ी अम्मा की मनु मर जाएगी और राज परिवार के खिलाफ कभी कोई काम नहीं करेगी। मुझे अपने पास आने दीजिए बड़ी अम्मा, आने दीजिए बड़ी अम्मा। जो हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते, मगर खुद को दंड देकर हम पश्चाताप तो कर सकते हैं। बड़ी गलती की एक ही सजा हो सकती है, हमारी मौत। मैं माफ कर दीजिए, अब ये अपमान हम और नहीं सह सकते। इनके सर की कसम, क्या आपकी शादी देव रक्षिका से हुई थी या नहीं? जो हम कह रहे हैं वो सच है या नहीं? हाँ हाँ हाँ, ये सच है। दरवाजा तोड़ दीजिए पंडित जी।
प्राण तो हमारी उसी वक्त चली गई थी देवसेना, जब मनस्विनी ने हमारे पीठ पर खंजर घोंप दिया। अब तो बस सांसों का थमना बाकी है। नहीं बड़ी अम्मा, समझ गई है, समझ गई है। हम मनस्विनी को माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। कभी कभी तो हमें बड़ी अम्मा पर भी शक होता है। उन्होंने मनस्विनी के हाथों में इस राज परिवार की सुरक्षा का भार कैसे दे दिया? उन्होंने मनस्विनी को देवरक्षिका बनाया ही कैसे? ऐसा करके उन्होंने राज परिवार की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। घर तभी मजबूत होता है जब घर के अंदर रहने वालों का रिश्ता मजबूत हो। इस घर की होने वाली बहू होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम आप सबकी सुरक्षा का ध्यान रखें। इसीलिए हम एक सिद्ध तांत्रिक बाबा के पास गए थे और हमने उनको बताया कि किस तरह से मनस्विनी ने इस घर के सदस्यों पर अपना काला जादू किया और उन्होंने उस काले जादू का एक तोड़ दिया। अब मनस्विनी के काले जादू से बचने का एक ही उपाय, ये अभिमंत्रित द्रव्य। हम जानते हैं मनस्विनी के काले जादू का असर हम सब पर हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी अभिमंत्रित द्रव्य पिए ताकि हम उसके भ्रम जाल से निकल पाए और वो फिर कभी भी हम पर कोई जादू ना कर पाए। क्या मजाक है ये, हम नहीं पिएंगे। भगवान के लिए ऐसा अनर्थ ना करे युवराज। सच आपने अपनी आंखों से देख लिया है, अपने कानों से सुन लिया है, अब तो हमारी बात पर शक मत कीजिए। राजकुमारी रूपलेखा सही कह रही, अब हमें और खतरा मोल लेने की कोई जरूरत नहीं। तो को मानते होंगे लेकिन हम नहीं, हम ये नहीं पिएंगे। युवराज माधव, आपको ये पीना पड़ेगा, लीजिए। हमने कहा ना मां, हमें नहीं पीना। राज, इस द्रव्य को पियो। महाराज, हमें नहीं पीना। सैनिको, युवराज। महाराज, मां लीजिए,
माँ। पीजे युवराज। वाह माया, चाल चलना तो कोई आपसे सीखे। मनस्विनी का काला जादू तोड़ने के नाम पर आप इन सबको ये द्रव्य पिलाकर अपने वश में कर रही है। वाह भाई, ये हुई ना बात। राजकुमारी रूपलेखा, आपका ये द्रव्य इतना भी बुरा नहीं था। मनस्विनी के काले जादू का तो पता नहीं, लेकिन आपके इस द्रव्य में कोई ना कोई जादू जरूर था। अब देखिए, युवराज माधव एकदम से शांत हो गए। जादू को तो जादू ही काटता है। मनस्विनी और उसके साये को इस महल से दूर रखने के लिए हमसे जो बन सके वो हम करेंगे। युवराज माधव और राजकुमारी रूपलेखा के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी जाए। चलिए युवराज, बहुत से काम है, आपकी शेरवानी भी देखनी। राजकुमारी रूपलेखा, कल हम आपको अपने हाथों से तैयार करेंगे। जी बिल्कुल। ये काम तो हो गया माया, अब क्या? अब होगा नागवंश और राज परिवार का आखिरी मुकाबला। अब होगा हमारा आखिरी वार। धीरज रखिए बड़ी अम्मा, मनु की रगों में भी वही खून दौड़ता है जो आपकी और मेरी रगों में। वो राज परिवार के साथ कभी कोई धोखा नहीं कर सकती, मेरा विश्वास है बड़ी अम्मा। तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया, तो उसे नहीं करना चाहिए। किया है। एक देव रक्षिका होने के बाद भी उसने शादी की है, तात फेरे लिए हैं, और ये बात उसने खुद मानी है। अगर अपना ही सिक्का खोटा है तो किसी को क्या कहें हम? हमारे परिवार की गर्दन आसमां से भी ऊंची थी, इसे मनस्विनी ने हमेशा के लिए झुका दिया। मनस्विनी ने हमारे कुल का मजाक उड़ाया है। उसने भूल नहीं की, पाप किया है, पाप। भूल सुधारी जा सकती है, पाप पलटा नहीं जा सकता। उसका दंड उसे मिलकर ही रहेगा। हम आज इसी वक्त अग्नि के सामने सौगंध खाते हैं कि देव रक्षी का मनस्विनी आज से हमारी कोई नहीं। आज से हम उसे सारे रिश्ते तोड़ते हैं, हम उसे अपने कुल से बेदखल करते हैं। आज से वो हमारे लिए मर गई।
देवसेना जी, देवसेना जी, आपके लिए राज परिवार से संदेश आया है। कल युवराज माधव और रूपलेखा का विवाह तय हो गया। अच्छा तुम जाओ, हम आते हैं। विवाह? ना सब कुछ हो गया? युवराज की बुआ जी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और फिर भी वो लोग विवाह की तैयारी कर रहे हैं, और वो भी कल। पानी में सब कुछ धुंधला तभी दिखता है जब उसके अंदर कोई हलचल हो। राजमहल में क्या हो रहा है ये अभी साफ नहीं है। कुछ तो है जिसे कोई नहीं देख पा रहा।